आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को खाली करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन करना है। ठीक है, गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखे हैं, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके देखिए मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते ना, उन सभी फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना अपने फोन से। ठीक है, इससे आपका फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को आपको बंद करना है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। गैलरी में देखिए राइट साइड के टॉप पर एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है। आपका एक पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहाँ पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे आपको टैप करके बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी जिस जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है ना, उन सभी ऐप में भी आपको बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को ना रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यानी कि फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा।